को बदनाम करने में करता है। बड़े बड़े आप सिद्धांत को देखिए, इकोनॉमी को आप छोड़िए, एनवायरनमेंट को इस तरीके से एक्सप्लोइटेड किया, एनवायरनमेंट का इस तरीके से दोहन किया गया, संसाधनों को बड़े स्तर पर लूटा, पर्यावरण की क्षति की गई, इन लोगों को क्या फायदा हुआ? सबसे ज्यादा पर्यावरण का फायदा इनको हुआ, लेकिन एक तरफ रहने वाले लोग हैव्स नॉट्स, हैव नॉट्स, गरीब, ये तो कैपिटलिस्ट, ये तो कैपिटलिस्ट क्लास है ना, ये तो कैपिटलिस्ट क्लास है, इसने कब्जा कर लिया और निजी संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति पर क्या किया, कब्जा कर लिया। यही है प्राइवेट, यही पर इन्होंने कब्जा कर लिया, इनका अपन गरीब लोगों का इन पे है ही नहीं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी इनके पास संसाधन ही नहीं है, ऑनरशिप ही नहीं है। और इन्होंने हैव्स नोट्स ने क्या किया कि इनके हैव्स नोट्स, इनके पास संसाधन नहीं है, इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपस में थोड़ा इधर आते रहते हैं, कभी संघर्ष कर लेते हैं तो इधर आते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, लेकिन मेजोरिटी पीपल से लोग गरीब है ना, इनको ये समझ में ही नहीं आता, इन्फ्लुएंस इन्हीं का रहता है, ये सिनेमा के माध्यम से शासन करते हैं, इन्हीं के माध्यम एथिक्स के प्रिंसिपल को सुनाए जाते हैं, लेकिन ये समझने की आवश्यकता है कि निजी संपत्ति इन लोगों को नहीं, क्यों नहीं दे रही, निजी संपत्ति आप दीजिए ना, सिंपल बात है, उसको वो राइट्स मिलने चाहिए कि नेचुरल स्टेट में जो थे, नेचुरल अवस्था में जो उनको समान अधिकार थे उनको दीजिए। स्टेट भी इसमें कहीं ना कहीं सर इधर आना, इधर स्टेट को इनके इनके पक्ष में होना था, स्टेट यहाँ आके बैठ गया इनके गोद में, तो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म का बड़े स्तर पर विस्तार हुआ, कैपिटलिज्म की गोद में कहीं ना कहीं स्टेट बैठ गया, और स्टेट कहीं लेसेस फेयर धीरे धीरे होता जा रहा है, और स्टेट कहीं ना कहीं सामाजिक जो वेलफेयर स्कीम है, सोशल वेलफेयर स्कीम से अपनी जो है सब्सिडीज को देना बंद कर रहा है, या वेलफेयर स्कीम को बंद कर रहा है, तो इन्हीं का विकास होगा। और मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि एनवायरनमेंट का एक्सप्लोइटेशन किया, एनवायरनमेंट का दोहन किया इन्हीं लोगों ने किया, और इन लोगों ने किया तो उससे एनवायरनमेंट ने चैलेंज दिए गए, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग दिया गया, क्लाइमेट चेंज जैसी घटना सामने आई, जो है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, सर्दी ज्यादा पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है ना एनवायरनमेंट में, फॉरेस्ट की कटाई होने से किसने किया, बेड बनाए गए बड़े बड़े, लकड़ी का वनों का संसाधनों का दोहन किया गया, लग्जरियस गुड्स जो बुड्स जो लकड़ी थी उसकी लग्जरियस गुड्स बनाई गई, उसका उपयोग गरीब लोग कर रहे हैं कि अमीर लोग कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट लोग कर रहे हैं, यही लोग कर रहे हैं। पानी को आपने एक तरफ बर्बाद किया, तो आपने पानी को साफ सफाई के लिए आपने जो है आपने अपने फायदे के लिए तो प्यूरिफाई लगा लिया, लेकिन ये क्या करेंगे वो पानी, अब आपको लगा कि पानी अशुद्ध हो गया तो पानी को साफ करने के लिए आपने प्यूरिफाई लगा लिया गया, लेकिन ये क्या करें ना, ये तो वही पानी पियेंगे ना, स्वशुद्ध पानी तो इनके पास तो नहीं है ना प्यूरिफाई। एयर पोल्यूशन हुआ तो आपने ही एयर पोल्यूशन किया, क्योंकि आपकी कारें ही रिस्पॉन्सिबल हैं एयर पोल्यूशन के लिए, आपकी इंडस्ट्री इंडस्ट्री आपके कारखाने आपकी जो है आपकी आप अब जिस वस्तु सेवा का उपभोग करते हैं, या आपकी कार्स हुई, गाड़ीज हुई, मोटरसाइकिल हुए, वही तो एनवायरनमेंट के एक्सप्लोइटेशन के लिए जिम्मेदार हैं, एयर पोल्यूशन के जिम्मेदार हैं, वाटर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं, साउंड पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। आपने उन समस्याओं से, जब वो समस्याएं आई एनवायरनमेंट में, पब्लिक डोमेन में आई, तो कहीं ना कहीं आपने तो उनके बचाव के लिए, एक तरीके से प्रिवेंशन के लिए आपने तो एंटी पोल्यूशन चीज़ें बनाई, आपने कहीं ना कहीं एयर प्यूरिफाई लगाया, वाटर प्यूरिफाई लगाया, आपने तो 20 का 30 का जल ले लिया ना, बोतलों में पानी ले लिया, आप वास्तविक से आप ही एनवायरनमेंट के लिए जिम्मेदार हैं, एनवायरनमेंट का जिस तरीके से पतन हुआ वो आप ही जिम्मेदार हैं। ये क्या करें, इनके पास ना एयर प्यूरिफाई के पैसे हैं, ना वाटर प्यूरिफाई के पैसे हैं, जबकि ये तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है उस चीज के लिए, पर्यावरण के दोहन के लिए, पर्यावरण का बर्बादी के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आप ही कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, आप ही उपभोक्तावाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आप ही अनावश्यक रूप से वस्तु सेवाओं का इतने स्तर पर अति उपभोग किया गया, ओजोन जो है, ओजोन की परत का पतन होना, विभिन्न प्रकार क्लाइमेट चेंज होना, जीवों की हत्या होना, वन जीवों विभिन्न प्रजातियों का विलुप्त होना, आप ही जिम्मेदार थे, आप नहीं वनों को काटा अपने निजी फायदे के लिए, क्योंकि इन लोगों ने तो काटा ही नहीं, क्योंकि इनके पास तो संपत्ति ही नहीं है, प्रॉपर्टी पर संसाधन, सेल प्रॉपर्टी, आपने बड़े बड़े कार, आपकी संपत्ति तो आपके पास ही थी ना,
तो कहीं ना कहीं ये वास्तविक रूप से हिजन एजेंडा समझना बड़ा विलुप्त बहुत कठिन है, और इनका हिजन एजेंडे को समझना का अगर आप मार्क्सिस्ट फिलोसफी बिलीव करते हैं या आप कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं या आप उस आइडियोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे तभी आप इनके हिजन एजेंडे को समझेंगे, क्योंकि ये अपने वास्तविक रूप से हिजन एजेंडे को नहीं बताएंगे। तो हमने समझा कैपिटलिज्म ही मानवता के लिए खतरा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्राइवेट ओनरशिप से समझौता नहीं करता, और प्राइवेट ओनरशिप से समझौता नहीं करता इसी से क्या होता है, संपत्ति एक परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है, या परिवार के जितने सदस्य होते हैं उन्हीं को उनसे संसाधनों का या उन्हीं से ग्रोथ का फ़ायदा होता है, या फिर उसी संपत्ति का उन्हीं को फ़ायदा होता है, समाज के अन्य लोगों का हिस्सा को फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो इसलिए तो 1% लोगों पर इस देश की 20% संपत्ति का कब्जा है, 1% लोग इस देश की भारत की कहीं ना कहीं 20% कम संपत्ति पर उनका प्रभुत्व है, उनका डोमिनेंस है, उनकी हिस्सेदारी है, लेकिन 99% लोगों का क्या होगा। और ये 99% लोग संस्थाओं में हर ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेंगे। सिर्फ बात ये है कि अगर वो प्राइवेट ओनरशिप का विरोध कर रहा है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है कैपिटलिस्ट नहीं है, सिंपल बात है। वो व्यक्ति अगर प्राइवेट ओनरशिप का समर्थन कर रहा है या वो चाहता है कि संपत्ति एक पीढ़ी से हमारे ही परिवार के लोगों को होती रहे, मेरे ही बेटे को मेरी संपत्ति का हिस्सा मिलना चाहिए, तो भाई दूसरे बेटे को दूसरे के बेटे की चिंता कौन करे। आपकी संकीर्ण मानसिकता तो परिवार से स्टार्ट हुई ना। तो कहीं ना कहीं कम्युनिज्म को समझना बड़े स्तर पर समझने की आवश्यकता है, लेकिन कम्युनिज्म एक तरीके से कम्युनिज्म ने नया इसका सच आयना बताया, क्योंकि कैपिटलिज्म ही मानवता के लिए खतरा है, ना कि कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में थोड़ा बहुत हिंसा होती है तो वो कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि वो इनको ठीक करना भी तो ना पड़ेगा ना, क्योंकि शोषण गरीबी इनको जिम्मेदार हैं। ये समस्या भी कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड ना केवल थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ की समस्या है, ये ईस्ट की भी समस्या है, अफ्रीका की समस्या है, लैटिन अमेरिका की भी कंट्री की समस्या, इंडिया की तो एक बड़ी तरीके से बड़ी समस्या है। तो कहीं ना कहीं हमने समझा, और ये कैपिटलिज्म ये प्राइवेट ओनरशिप से समझौता नहीं करता है, और ये मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो आपको समझने की आवश्यकता है कि कम्युनिज्म अगर मानवता के लिए खतरा होता तो ये नेशनलाइजेशन का विरोध नहीं करता, ये सोशल गुड्स की बात करता है।